in this section i will explain that if you have a certain target expected return how you can achieve that so aap ne jo abhi humne equations derive kiye hain unki madad se kis tarah se aap expected rate of return ka jo target banaye hain aap different combinations को इस्तेमाल करके किस तरह से वो particular चीज को achieve कर सकते हैं So for that matter, we use the equation. गिवन एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू दर्शन विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द रिस्की एसेट का एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे परपॉर्शन रिस्की एसेट में कितना इन्वेस्ट करा है मल्टीप्लाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द रिस्की एसेट प्लस वन माइनस डब्ल्यू इज द परपॉर्शन टू इन्वेस्ट इन द रिस्क फ्री मल्टीप्लाइड बाई रिस्क फ्री एसेट से जो आपको रिटर्न मिलने वाली है सो so, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम सॉल्व करते हैं किसी भी अनोन नोन इंफॉर्मेशन के लिए तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं अभी जो चीज़ जिसके लिए हम ये अभी इस पर्टिकुलर इस सेक्शन को में डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज़ कि अगर आप एक सर्टन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अचीव करना चाहते हैं तो फिर को वो, वो अचीव करने के लिए क्या बाकी के वैल्यूज़ के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा तो सपोज आई वॉन्ट टू नो कि इफ़ आई वॉन्ट टू जेनरेट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेवन परसेंट हाओ मच मनी आई शुड इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट एंड हाउ मच मनी आई शुड इन्वेस्ट इन द रिस्क फ्री एसेट इन ऑर्डर टू जेनरेट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ़ फॉर एग्जाम्पल इलेवन परसेंट तो उसके लिए हमें रिस्क फ्री एसेट चाहिए का रिटर्न रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न चाहिए रिस्की एसेट का रिटर्न चाहिए और उसकी हमें चाहिए कि हमें उसका रिस्क प्रीमियम क्या पे करना पड़ता है तो फॉर दैट मैटर हमने क्या किया कि वी हैव प्लग दिस इंफॉर्मेशन कि आपका जो रिस्क प्रीमियम है दैट वॉज ज़ीरो पॉइंट जीरो एट रिस्क प्रीमियम का मतलब है रिस्की एसेट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न एंड दैट इज़ गिवन एज जीरो पॉइंट जीरो दिस एग्ज़ाम्पल रिस्क फ्री एसेट से आपको रिटर्न मिल रही है सिक्स परसेंट आपने इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को और इलेवन परसेंट आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं इस पूरी इन्फॉर्मेशन को आप इक्वेशन को डब्ल्यू के लिए अगर हम सॉल्व कर लें तो आई विल गेट डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर दूँ जो कि मुझे आठ फीसद रिस्क प्रीमियम दे रहा है यानी कि चौदह फीसद उसका रिटर्न है और रिस्क फ्री में से जब मैं चौदह को सिक्स से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो आई एन एट परसेंट रिस्क प्रीमियम इन दिस सो इफ आई इन्वेस्ट सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द रिस्क एसेट आई विल बी एबल टू मेक द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इलेवन परसेंट गिवन बाय दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इसी तरह से अगर मुझे इस पोर्टफोलियो में फ़्लक्चुएशन की क्या चांसेस हैं का स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन को अकाउंट फॉर करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा आई विल हैव टू कंसिडर रिस्की एसेट की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन मल्टीप्लाइड बाय ये जो जो भी मैंने प्रोपोर्शन की वैल्यू निकाली है डब्ल्यू की उसको उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो प्रोपोर्शन यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू है जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव और रिस्की एसेट की रेट ऑफ जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाविएशन थी दैट वॉज जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू multiplied by 0.625 will give me a 0 0.125 which is the portfolio cost standard deviation so based upon the equations which we have derived earlier you can find out any unknown values you can find out the values for the portfolio standard deviation you can find out the values for the expected rate of return if you know that this is the expected rate of return how much i should be investing in the Risky asset or risk free asset that can also be decided based upon the equations by using the equations which we have derived earlier.